हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां पर मां शक्ति मूर्ति के रूप में नहीं वरन ज्योति के रूप में विराजमान है, जिन्हें ज्योता वाली माता भी कहा जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य ज्वालामुखी माता मंदिर के। देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में मां शक्ति स्वरूप ज्वालाएं युगों से जल रही हैं तथा मूल मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच, जो मां दुर्गा के परम भक्त थे, उनको इस दिव्य स्थान पर देवी के ज्योति स्वरूप स्थित होने का स्वप्न आया था। फिर उन्होंने अपनी सेना को भेजकर इस स्थान को खोजने के लिए कहा और स्थान का पता लगने पर उन्होंने श्री ज्वाला माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया। ज्वाला माता के इस स्वरूप से जुड़ी कथा के अनुसार, जब दक्ष प्रजापति ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो भगवान शिव के मना करने पर भी देवी सती अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आ गई। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं के मध्य यज्ञ करते हुए राजा दक्ष ने देवी सती के सामने ही भगवान शिव की अवहेलना प्रारंभ कर दी। देवी सती अपने स्वामी भगवान शिव की अवहेलना सह न सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। देवी सती के शरीर को यज्ञ कुंड से निकालकर भगवान शिव ने सृष्टि में तांडव प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के तांडव को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के अंगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि भगवान शिव शांत हो सके। जीव कल्याणार्थ देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए, जो देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गए। उन्हीं 51 पीठों में से एक प्रमुख पीठ है श्री ज्वालामुखी माता मंदिर शक्तिपीठ। यहाँ पर माँ शक्ति की जिह्वा गिरी थी। मंदिर के गर्भगृह में मां शक्ति के मूर्ति रूप के दर्शन नहीं होते, वरन माता यहां ज्योति रूप में दर्शन देती हैं। माता यहां ज्योति रूप में युगों से प्रकट हैं। यहां पर माता के महाकाली, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी, अंबिका, महालक्ष्मी और अंजना देवी स्वरूपों में पूजा होती है। मां शक्ति को यहां ज्वाला जी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें ही ज्योता वाली माता भी कहते हैं। माँ शक्ति यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। माँ शक्ति की इस ज्योति स्वरूप की परीक्षा करने के लिए राजा अकबर ने तवे लगा दिए थे और मंदिर को जल से भर दिया था। उसे लगा कि ये ज्योतियाँ यहाँ जल से बुझ जाएंगी, परंतु जल के ऊपर तैरती हुई ज्योतियों को देखकर अकबर चकित रह गया और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वो नंगे पैर माता के दरबार में आया तथा यहाँ एक सोने का छत्र चढ़ाया। परंतु उसे अहंकार हो गया कि मैं माँ को इतना बड़ा सोने का छत्र उपहार स्वरूप दे रहा हूँ, इसलिए माँ शक्ति ने उसके छत्र को स्वीकार नहीं किया। आज भी वो छत्र मंदिर परिसर में रखा हुआ है तथा वो सोने का छत्र किस धातु में परिणित हो गया है ये कोई भी नहीं कह सकता। यहीं पर माता के 9 स्वरूपों के दर्शन भी अलग अलग होते हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव भी उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। माँ ज्वाला जी डोगरा रेजिमेंट की कुल देवी हैं। डोगरा रेजिमेंट यहाँ माता को शेर अर्पित कर उनसे अपने सैनिकों की रक्षा की प्रार्थना करती है। जब माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाइन में लगते हैं तो बड़ी बड़ी ग्रिल से होते हुए माता के गर्भगृह तक दर्शन करने पहुँचते हैं। जब भी यहाँ आप दर्शन करने आएंगे यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ अवश्य मिलेगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है जिससे सभी भक्तों को माता के लाइव दर्शन होते रहते हैं। यहाँ ज्वाला माँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति की अभिलाषा लेकर माता के दरबार में आते हैं
और माता की कृपा से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार माँ ज्वालामुखी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। माँ यहाँ लौकिक और पारलौकिक सभी सुखों को देने में पूर्ण समर्थ हैं। यही मंदिर में गोरख डिब्बी भी प्रसिद्ध स्थान है। गोरख डिब्बी के बारे में कहा जाता है कि माता ने गोरखनाथ जी से भोजन करने का आग्रह किया था। तब गोरखनाथ जी ने एक डिब्बी, जिसे गोरख डिब्बी कहते हैं, यहाँ रख दी थी। डिब्बी में विभूति डालते हुए गोरखनाथ जी ने कहा था कि जब तक मैं ना हूँ, इस डिब्बी में पानी ठंडा ही रहे। भक्तों, आज भी उबलता हुआ जल हाथ में डालने पर यहाँ ठंडा ही प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में कई सारे अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें है गणेश जी मंदिर, दुर्गा सिद्ध माता मूर्ति मंदिर। परिसर में ही एक यज्ञशाला भी है, जिसमें बहुत बड़ा हवन कुंड है। परिसर में ही माता का शयन कक्ष भी है, जिसमें प्रतिदिन माता को शयन कराया जाता है और प्रातः यहीं से उठाकर माता की आरती की जाती है। मंदिर परिसर से ही ऊपर की ओर माँ तारा रानी मंदिर के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में प्रातः 5 बजे मंगल आरती होती है, फिर लगभग 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद माता की राजभोग आरती होती है। प्रातः लगभग 5 बजे मंदिर खुलता है और रात्रि 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इस बीच श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में चारों नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि तथा शारदीय नवरात्रि आश्विन मास में, भक्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि और महामास की अष्टमी, ये उत्सव यहाँ विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ये चारों नवरात्रि यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। आषाढ़ मास की अष्टमी को माता के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चारों नवरात्रों में ही भक्तों की बड़ी भारी भीड़ होती है। माता के प्रकट दिवस अर्थात आषाढ़ मास की अष्टमी को यहाँ पर उत्सव की धूम अलग ही होती है। भक्तों, यदि आप ज्वालामुखी माता मंदिर कांगड़ा दर्शन के लिए आते हैं, तो कांगड़ा में ही आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे माँ चामुंडा देवी मंदिर, माँ बर्जेश्वरी मंदिर, माँ चिंतपूर्णी मंदिर, माँ तारा मंदिर, शिव मंदिर आदि मुख्य दर्शनीय मंदिर हैं। यदि आप ज्वालामुखी माता मंदिर कांगड़ा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप ज्वालामुखी माता मंदिर कांगड़ा की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निकटतम गग्गल हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप ज्वालामुखी माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ज्वालामुखी रोड रानीताल रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। रानीताल रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ज्वालामुखी माता मंदिर कांगड़ा की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो कांगड़ा आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा कांगड़ा पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप ज्वालामुखी माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और माता की कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।